excellent. No comparison. No other place compares with what food we get. Achha. Three, two, one. Yo, 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 what's up people? I hope everyone's doing great. My name is Shaurav and swagat hai aapka mere channel mein fir se ek bari. आज एक और व्लॉग के साथ अमृतसर में इतना प्यार मिल रहा ना यहाँ पे. आई मेड अ फ्यू पीपल जो मेरे को जानते थे बाई चांस चैनल देखते थे. कुछ लोग ऐसे थे वैसे दोस्त बन गए उनको मैं अपने चैनल के लिए बता रहा था फेमस कर रहा हूँ अपने आप को. एनीवे जिस जगह पे आज मैं हूँ उस जगह का नाम है मोहन मीट शॉप. इतनी मशहूर है ये. मशहूर क्या मतलब क्वालिटी का काम हो रहा है यहाँ पे. ये एक पहली ऐसी जगह होगी जहाँ पे मुझे ना बिना रिव्यू करे समझ आ रहा है क्या टेस्ट होगा. ओनर साहब से मेरी बात हुई थी. मैंने कहा क्या क्या स्पेशलिटी है. पहले तो बता दूँ बहुत कॉर्डियल इंसान है बहुत बहुत सीनियर है. उन्होंने कहा जी आप हमारा खाओ मटन जो तवे में बनता है ग्रेवी वाला. इसके साथ कहते हैं हमारा खाओ बटर चिकन कमाल. अच्छा और क्या कहा मटन चाप. अपने उन्हें मटन दिखाया था कह रहे पूरा प्योर माल यूज़ करते हैं. इसके अलावा कहते हैं मटन टिक्का विद मगज. पानी देख रहे हो कैसे आ रहा है मुँह में. एनीवे पाजी ने मुझे मसाले वगैरह दिखाए अपने कह रहे सब अपना माल होता है सब अपना काम होता है यहाँ पे. अरे ठीक है. एनीवे करना क्या यही सब चीज़ें ऑर्डर करनी है. एक बार क्लिप्स लेना है कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर देखना कैसे स्प्रेड लगाना उसका आगे. आपको पता क्या करूँगा मैं रिव्यू. मुझे बहुत भरोसा है इनके खाने पर. जिस तरह खुशबू आ रही है देसी की अच्छा ही होगा. अंदर चलते हैं और देखते हैं. गाइस जगह की लुक एंड फील ये है. मोटा मोटा देयर इज नो बोर्ड सिर्फ एक छोटा बोर्ड लगा है मोहन मीट शॉप. अंदर चलते हैं और एक बार प्रेप वर्क देखते हैं. एंटर करते हैं. और प्योर बकरा हम रखते हैं. अच्छा मैं खुद जाके आप मटन लेता हूँ. अच्छा के पास. अच्छा चौबी कैट का सोना ना ऐसे हमारा खाना है. अच्छा भाई तुसी मैंने दस्या सी एक तो मैंने मटन कर दो लो ठीक है तवे वाला. दूसरा बटर चिकन कह रहे सी तुसी. हां जी नाल मैंने मटन टिक्का. हां जी और मगज लो ठीक है ते चांप है जी ताड़ी रखी है चांप. ओ मैंने बंदे हुए देखना है एक बार चांप दिखा भी देना. लो लो ये मटन चांप है. प्योर मटन है का जी. प्योर मटन इसमें है. प्योर मटन है और ये चीज किसी के पास नहीं मिलेगी पूरे अंबर से. मसाले ये मटन चांप है. नहीं मसाले जो है तोड़े अपने बंदे हैं. ये सारा कुछ अपना मसाला भी अपना बना. अच्छा मतलब अपना ना मीट जड़ा बनाते हैं ना वो दूसरे लाल मीट है बनाते. अच्छा एम तोड़ा मसाला है का. बाहर की कोशिश की. अच्छा हाँ चुप देखो बाहर पाजना. ओए होए गाइस आई जस्ट स्टॉप. मैंने भी फिर लाल मिर्च भी डाल रखी है. बड़ी खुशबू है इसमें जी. हाँ लाल मिर्च किसी सौदे में नहीं. अच्छा है. हाजी पहले की बन रहे हैं मटन चाप. मटन चाप है देसी की है डाला तुसी. सो एक प्लेट इस दो आंदी है. हाँ जी दो. अच्छा अजी कितने साल से कुकिंग कर रहे पूछ सकता यार. 12 साल. 12 साल की उम्र से तुसी काम करना चालू किया. हां जी. अरे वाह. तो गाइस ये मैकेनिज्म देखो ये ट्रॉली की तरह काम करता है. पाजी को दिखा के करोगे इस तरह राइट लेफ्ट. तो जब हल्की आंच करनी है तो तुसी तवा इथे ले आंदे हो. हां जी. हां जेड़ा बूंद हो ऐसे डन हो गई है. ये देखा जी ये से ज्यादा हो गया इधर. तो इथे से ज्यादा जब से आ गया फिर अच्छा से. अच्छा माइनस करना है तो उसे आना लेफ्ट. अरे वाह भाई कोने की बन रहा मटन टिक्का. नाल मगज पाओगे. नहीं हां मगज आ कोई भाजी मेनू मगज टिक्का मिक्स चाहिए था. कितने पीस आंदे भाजी टिक्के दे. 16 आंदे. 17 बारे 16 आंदे. मेनू 17 पा रहे हो. स्पेशल ट्रीटमेंट हैगा मेरे लिए. यार मगज होए. और ये पाजी तुसी ब्रेन. अरे वाह. पाजी ये ब्रेन बिल्कुल रॉ पांदे हो तुसी या किस तरह होंदा.
बिल्कुल फ्रेश ताज़ा मगज है जी। ताज़ा मगज तो जो पकेगा इतना ही पकेगा। हाँ जी देसी घी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਟਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਬਰੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਹਾਂ ਕੁਲਚੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਭਾਜੀ ਬਰੇ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮਟਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਅੱਛਾ ਮਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ You know, such a pleasure to stand by him. कितने senior uncle and so happy यार मतलब अपना काम इतना passionately इस age में good stuff यार अभी तुसी भी खाना खा रहे थी की report है की खाने थी मैं आज तक नहीं खा रहा काफी साल हो गए ना थे कितने साल हो गए तानू सर मैं रहना भी इन्हें नहीं लाके चाहिए अच्छा ये आज तक छोटे होने तो खाना आ रहे हैं कटोगर 13-14 साल अच्छा हाँ पर ऐ बाकी इन्हें खा गए हैवी इन्हों कहने चिकन चुकन जो भी हैवी नहीं होता घर को मतलब पूरा टेस्ट अच्छा अच्छा आखिरी गल की फेवरेट है तुम्हारा फेवरेट जड़ी मर्जी इन्हें चीज़ खा लो सारी फेवरेट है फिर भी थोड़ी एक तो फेवरेट होएगी मैं तो ज़्यादा सर मगज के नाल मीट वगैरह खाना अच्छा जिन्होंने कहते जड़े बनाने वाले तो खाने वाले भी जट पो चलो ठीक है भाजी थैंक यू सो मच अच्छा मैं ना साइड पर आके बात कर रहा हूँ वैसे बता रहा हूँ यहाँ इतनी ऑथेंटिसिटी है ना पंजाब को लेकर मतलब पंजाबी को लेकर लैंग्वेज को क्योंकि पंजाबी ना हल्की बहुत आती है आई एम ट्राइंग टू टॉक बट मैं कर नहीं पाता मेरी टूटी फूटी पंजाबी है बट नेवर्थलेस यार मज़ा आ रहा है द होल कल्चर ना गुड स्टफ यार अच्छा लग रहा है मटन लगाएं पक्का 100% चलो जी कितने पीस आते हैं पाजी एक चार पीस आते हैं जैसे देसी की हाँ भाई कुलचा दिखाना कुलचा दिखाना अच्छा ये कुलचा होता है आपके ऐसे अमृतसरी कुलचा अमृतसरी कुलचा क्या बात है मेरे को अभी बिना ऐसे मसाला जाएगा मटन का हो गया जी थैंक यू भाजी सत श्रीकाल जी तुसी चिकन खाया सी हां जी हैं की रिपोर्ट बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया सी बहुत बढ़िया फेवरेट क्या है फेवरेट इनका मटन है चिकन है कुछ भी खा लेने मूड के हिसाब नाल बस बस हैं ए चांप आई है हां जी चांप है अच्छा पेट नहीं भरया सी मन सी नहीं नियत नहीं भर सकती थे हैं चलो ओके भाजी ठीक है अच्छा गाइस वन थिंग मैंने ना बर्गर चिकन कैंसिल करा दिया मतलब इतना ज्यादा हेवी खाना लग रहा देख के मैंने तीन चीजें करा दी हैं और वही तीनों खानी है यार गाइस वंस अगेन रेगुलर कस्टमर सॉरी सर परेशान कर रहा हूं खाते हो आप लोगों को इट्स ओके कम ऑन अच्छा क्या फीडबैक है सर खाने का गुड एक्सीलेंट नो कंपैरिजन ये आपने ये अवॉर्डेड फॉर अ मगज मगज यस इट्स अ व्यूड एक्सीलेंट मतलब नो कंपैरिजन अच्छा या व्हाट डू यू थिंक मैम हाउ इज इट जस्ट टू गुड मतलब वी हैव हैड मगज एट अदर प्लेसेस आल्सो बट आई थिंक दिस नो अदर प्लेस कंपेयर्स विद what food we get acha and it's accompanied by a kulcha pura kulcha ha right chalo yes. good stuff so I'll try karunga thank you so much thank you ma'am you. enjoy your meal thank you bade guys khana lag chuka hai and it's looking super duper yaar pata hai जब मैंने गाड़ी पार्क करी थी ना ऑब्वियसली मैं रोड बाय रोड आया हूँ तो पता ही है सो जब मैंने गाड़ी पार्क करी थी ना मेरे ख्याल से 25-30 मीटर दूर से ना मुझे देसी की खुशबू आ रही थी एंड ये फैक्ट है आप आओगे आपको रियलाइज हो जाएगा एनीवे सो दे हैव गिवन मी तवा मटन करी साथ में मगज और मटन टिक्का का मिक्सचर मटन चाम्प विद कंडीमेंट्स लाइक चटनी प्याज किलोंजी वाला नान और कुलचा वाह पानी तो कैसे आ रहा हूँ मैं कहीं चाम्प की शक्ल देखो एक बार Isn't this looking amazing, yaar? The whole legacy, 60-65 साल की इस पीस में है. This is actually the legacy on the plate. I'm not even kidding, yaar. बट मसाले देख रहे हो सब इनके अपने हैं ये पीस थोड़ा हल्का सा
ये देखो जी लेस की बाइट, ओ मैन, थ्री टू वन बेस्ट चाम्प दर आई हैव हैड एंड आई एम नॉट इवन कडिंग. दिल्ली में ना मैंने कुछ चाम्पे खाई थी रीसेंट डॉक्टर में दिल्ली होगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम इस टाइप की कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट इवन फनी है. आप एक खाओगे एक पैक कराओगे आई कैन प्रॉमिस यू प्योर मीट फॉर श्योर. इट्स नॉट च्यूवी कि पका नहीं हुआ तो चबाया जा रहे हो और चाम्प अंदर नहीं आ रही. मसाला परफेक्ट ये सारे मसाले देसी घी भेजेंगे आप कुलचा लेते हैं. अच्छा इनका कुलचा ना वैसा नहीं होता कि जो दिल्ली में मसाले करके तो सौगी कर लेते हैं कि हल्का सा तवा के रखते हैं. अभी अमृतसरी कुलचे हैं मैदे ये ऐसे दिल्ली में नहीं मिलते हमें बाइट ले. देखो जी ये है मगज़ और मटन टिक्का. ये लिया मैंने जी मटन का पीस दो साथ में भरते हैं मगज देख रहे हो और थोड़ा मसाला. ये देखो जी और लेते हैं थोड़ा सा है? Let's go in. No word can express this magaz yaar. यार क्या मिलता है दिल्ली में पता है. आई एम नॉट इवन जोकिंग यार मतलब दिल्ली में वी प्रेज फूड बट दिस इज यू कैन कंपेयर इट. दिस इज हेवन ऑन माय प्लेट रियली. मटन टिक्का परफेक्ट. जो मसाला ट्रस्ट मी आपको बहुत स्पाइसी लग रहा होगा देखने में. इट्स नॉट एज स्पाइसी एज यू थिंक. आराम से जा रहा है अंदर द मगज मेल्टिंग इन योर माउथ. अमेजिंग कमाल कर दिया. ऑनेस्टली बताऊं 10 पीस 10 10 पीस 10 एंड देयर इज नो कंपैरिजन. खाने दोनों हैं. आप ये नहीं कह सकते कि एक कोई ऑर्डर कर लेते हैं. इफ यू कमिंग फॉर एन एक्सपीरियंस ट्राई बोथ. इसकी ग्रेवी आई थिंक वो जो मगज पे गई वो सेम ही थी. देखें इसको लेंगे इसके तिल वाले नान के साथ. ये देखो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ. नली का पीस है जी पूरा. ये रोगन देख रहे हो. रोगन क्या है देसी घी है सारा. ऑनेस्ट बताओ ना. ओए छोटा सा पीस बहुत बड़ा हो जाएगा. ओ मैन ये देखो जी जस्ट हैव अ लुक यार. हाँ इसको लेट्स गो. देखो वैसे तो आई शुड बी कंपेयरिंग एनी ऑफ देम. 10 में 10 दोनों को देख चुका हूँ बट अगर तीनों में से करना ना आई एम अ फैन ऑफ दिस यार. जो नली का पीस है ना and the way it's melting and the way it's cooked and the masala on top everything is making sense together yaar. Kya batau Amrit sir excellent job na to baat bhi galat. So basically guys this all desi ghee that you will taste the right masalas and I'm very happy ki apne masale khud cook ke dalte hain which is very essential for a recipe to be the recipe that they're making. Overall amazing experience yaar. Guys, once again, Mohan Meat Shop. जितना खाता खाता हूँ बाकी पैक कराता हूँ फिर आपको सारी जगह की डिटेल्स देता हूँ. भाजी मैंने खाना खाया इन्जॉय किया इससे अच्छा खाना नहीं खाया. थैंक यू सो मच. मतलब अमृतसर से मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. किया बहुत था इतना नहीं किया था. जिसके पास जाऊंगा आपका नाम सजेस्ट करूंगा. आपका खाना के ट्राई करें. क्वालिटी यही रखनी है कि अगले 50 साल हो 100 साल हो शुरू तो लागे होता बधाई है कड़ी नहीं क्वालिटी शुद्ध रखी है अपनी. वो लग भी रहा देख के. हमारे पिताजी ने दो दादा दतिया ना जिंदगी बेईमानी करनी है ना किसी का पैसा मारना है. मैं मटन लेता हूँ पैसे नगद देता हूँ प्योर बकरा देता हूँ कोई बकरी भेड़ नहीं लानी. समझ गया थोड़ी. हाँ जी काम क्वालिटी वाला हो रहा है. हाँ जी क्वालिटी. थैंक यू सो मच पाजी. अच्छा लगा मैंने. ठीक है वंडरफुल मील यार.
समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी यार, मतलब बड़े दिन बाद ना पूरी की तारीफ ऐसे करी है जैसे, एंड ये आई थिंक पहला व्लॉग होगा मेरे पूरे 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 व्लॉगिंग करियर में जहाँ पे मैंने हर चीज़ को 10 में से 10 दिया है। अगर हल्का सा एक फीडबैक दूंगा ना उतने वाले कुछ और एक दो मिनट रख देता ना तो करारी हो जाता। उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग फेल राइट इनटू द प्लेस यार। वंस अगेन मोहन मीट शॉप अमृतसर में। अजी की कॉलोनी का नाम क्या है सारा? ना मिले फोन करके परेशान करना पाजी को, पहुंचना ट्राई द फूड एंड आई एम टेलिंग यू दिल्ली से यहाँ तक का सफर ना वर्थ इट रहेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, रिव्यू पे भरोसा करो। और कुछ बताना है कुछ नहीं बताना है, लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे रोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब रोरा ब्लॉग्स देखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, टेक केयर, हैव फन।